नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे रिया गार्डनिंग चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस खूबसूरत प्लांट की बात कर रही हूँ। इसका नाम है नागचंपा। देखिए कितने अच्छे अच्छे वाइट और येलो कलर के फूल आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए नागचंपा दोस्तों इसका नाम है। इसको नागचंपा क्यों बोलते हैं वो बताती हूँ। देखिए इसके लीफ ध्यान से देखिए, इसके जो लीफ होते हैं ना दोस्तों, वो नाक के फन की तरह होते हैं। जैसे नाक का फन होता है ना, उसके फन की तरह होते हैं आगे से ऐसे, तो शायद इसको इसलिए नागचंपा बोलते हैं, ऐसे होते हैं। तो देखिए ये वही चीज़ है कि कटिंग से चलने वाला प्लांट है दोस्तों। इसकी आप एक छोटी से छोटी कटिंग लगाइए और उसी से ये हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से इसको यहाँ से कट कर दूँगी और इसको 24 घंटे के लिए रख दूँगी, उसके बाद मिट्टी में लगाऊंगी। इसको क्यों रखना है वो बता देती हूँ। इसके अंदर से वाइट कलर का मिल्क निकलता है, वो जब तक सूख नहीं जाता तब तक नहीं लगाना चाहिए, और जैसे ही वो सूख जाता है फिर मिट्टी में लगाना चाहिए। इससे फंगस नहीं होती, ये करना होता है। मैंने भी ये कटिंग से लगाया था और देखिए कितने सारे प्लांट तैयार हो गए हैं मेरे, 1-2 अच्छे खासे, मतलब पूरा गमला भर गया है और कितने सारे तैयार हो गए हैं, पूरे गमले में फैल भी गया ये। मैंने एक ही गमले में लगा रखे हैं। नवंबर दिसंबर के महीने में दोस्तों इसकी सारी लीफ झड़ जाएगी। ठंड के दिनों में, सर्दियों में इस प्लांट पे एक भी लीफ नहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही बाहर का मौसम आएगा यानी कि बसंत पंचमी, इस पर फिर से लीफ आनी शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे अप्रैल मई के महीने से सुंदर सुंदर फूल आने लग जाएंगे। जैसे अभी आ रहे हैं, बहुत अच्छे फूल देता है ये। तो आप भी दोस्तों इसको अपने गार्डन में शामिल कीजिए, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी देगा, हरा भरा रहता है और फूलों से भरा रहेगा आपका गार्डन। देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं आज मेरे से। तो इस पर मतलब कीड़े वगैरह का तो कोई अटैक नहीं होता। मैं तो इस पर नीम ऑयल का जो है ना, हफ्ते में एक बार छिड़काव करती रहती हूँ। तो इस पर गुड़हल जैसे उस पर होते हैं ना, इस पर भी मैंने कई बार मिली बग्स देखा है, वो भी अटैक करता है। जिस तरह गुड़हल के प्लांट पे होता है ना, इसकी लीफ पे भी देखा है और इस पर भी देखा है। लेकिन मैं नीम ऑयल का छिड़काव करती रहती हूँ हफ्ते में, तो मेरे ऐसा किसी प्लांट पे ऐसा अभी हुआ नहीं है। तो आप भी नीम ऑयल का छिड़काव करते रहिए तो किसी भी प्लांट पे कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगेगा। और इसकी लीफ देखिए कितनी अच्छी ग्रीन हरी हो रही है, एकदम अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं। तो अगर हम अपने प्लांट का टाइम पे ध्यान देते रहे ना, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते रहें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर दोस्तों आपको भी ये प्लांट अच्छा लगे तो आप भी इसको अपने गार्डन में शामिल कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो देखना जरूर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।